मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो मामले की जांच की जद में महाराष्ट्र सरकार भी आ गई है। इस मामले को लेकर हटाए गए पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली करने का टारगेट रखने का आरोप लगाया है। इसके बाद उद्धव सरकार में हलचल मच गई है। अनिल देशमुख की कुर्सी खतरे में आ गई है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने सुबह सुबह शायराना अंदाज में एक ट्वीट किया और लिखा कि शुभ प्रभात, हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिल से आए हैं। आपको बता दें कि एंटीलिया मामले को लेकर मचे हंगामे के बीच संजय राउत ने बड़े ही शायराना अंदाज में ट्वीट किया। संजय राउत ने गीतकार जावेद अख्तर की शायरी को ट्वीट किया। फिलहाल परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है, लेकिन संजय राउत की ये शायरी किस ओर इशारा कर रही है ये तो संजय राउत ही बता सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।